मध्य प्रदेश में बेसहारा बुजुर्गों की बदहाली पर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले पर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जबलपुर नगर निगम के खिलाफ नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर बेसहारा बुजुर्गों के लिए प्रदेश में ओल्ड एज होम की ऐसी कैसी व्यवस्था है जो बुजुर्ग सड़कों पर भटकने को मजबूर है। हाईकोर्ट में ये याचिका जबलपुर के एक सामाजिक संगठन नागरिक उपभोक्ता मंच ने दायर की है। याचिका में इंदौर की उस घटना का भी हवाला दिया गया है जिसमें इंदौर नगर निगम ने बेसहारा बुजुर्गों को कचरा गाड़ी में भरकर शहर से 10 किलोमीटर दूर छोड़ दिया था। साथ ही याचिका में जबलपुर नगर निगम के एक मार्केट की छत गिरने से दो बुजुर्ग भिखारियों की मौत का भी हवाला दिया गया है। याचिका में मांग की गई है कि बेसहारा बुजुर्गों के लिए प्रदेश में ओल्ड एज होम बनवाए जाएं ताकि उम्र के आखिरी पड़ाव में वो सड़कों पर भटकने को मजबूर ना हो। आज इंदौर में एक घटना घटी है कि कितने 12-15 बेसहारा वृद्धों को एक गाड़ी में ले जाके जानवरों की तरह 10 किलोमीटर दूर छोड़ दिया गया था। ये अमानवीयता जो हो रही है ये प्रशासन की घोर लापरवाही है। इसी को लेकर याचिका दायर की गई थी कि प्रशासन को निर्देश दिए जाएं कि इस प्रकार के समुचित प्रबंधन किए जाएं कि कोई वृद्ध सड़क के किनारे इस ठंड में न ठोकटे और उसके कारण उसकी कोई जान ना जाए और ये जो नियम बनाए गए उनका पालन कड़ाई से किया जाए। प्रशासन समय समय पर इसका इंस्पेक्शन भी करे और जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी।